حامدا ومصليا على رسوله النبي الكريم الأمين. यही है आरजू तालीम कुरआन आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जनाब मोहतरम, मैं हाफिज़ सैयद ज़ीशान हुसैन, इमाम ख़तीब जामे मस्जिद यूनिट 5 लतीफ़ाबाद, आपकी ख़िदमत में हाजिर हूँ और एक छोटी सी रिक्वेस्ट लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जामे मस्जिद का ट्रस्ट मसला के हक़ अहले सुन्नत व जमात की तरवीज इशात में कोशा हैं। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, गर्मी हो या सर्दी, हर लम्हे हर लहजे ये लोग इस्लाम की तरवीज इशात में मसरूफ़ रहते हैं। उसी की एक कड़ी है मदरसा ऑफ मरकज़ी जामे मस्जिद कादरी चौक लतीफ़ाबाद नंबर 5, जिसकी तामीरात का सिलसिला जारी है। 2 मंजिलें मुकम्मल हो चुकी हैं, तीसरी और चौथी मंजिल का तामीराती काम अभी तकमीली मराहिल में है और जिसके लिए बहुत सारी रकम की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है। वो सामान जिसका अंदाज़ा लगाया गया है 21 टन सरिया है, 800 बोरी सीमेंट है, 14 ट्रक रहती है, 10 ट्रक का रश है और उसके साथ साथ मजदूरी जो बनती है उसके लिए भी रकम की ज़रूरत है। इस सब का जब अंदाज़ा लगाया गया तो ये इनको यूनिट्स में तकसीम किया गया, अंदाज़ा लगाकर वो बन गए हैं 1000 यूनिट्स। उन यूनिट्स को जब तकसीम किया गया तो एक यूनिट बन रहा है 5000 का। मतलब यह है कि 5000 के 1000 यूनिट अगर हमारे पास आ जाएंगे, जो कि फौरी हमें मतलूब हैं, तो जल्द अज़ जल्द इन दोनों मंजिलों को तकमील तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। तो आप तमाम हजरात की बारगाह में इल्तिमास है कि हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने जिस दीन के लिए अपने अश्क बहाए, सहाबा किराम ने, अहले बैत अतहार ने, औलिया उम्मत ने, उलमाए मिल्लत ने जिस दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उस दीन की तरवीज इशात के लिए आज आपकी मदद दरकार है और आपको इसकी मदद का एक मौका फराहम किया जा रहा है। तो इसमें कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द आप इसमें मदद कर सकें और जल्दी तआवुन फरमाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मौका आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि अज़म यह है कि सन 2024 तक मदरसे की तामीरात का सिलसिला मुकम्मल हो जाए और फिर उसके बाद इसकी तकमील के बाद अगला मरहला शुरू हो, यानी जामे मस्जिद लतीफ़ाबाद नंबर 5 की तामीरात का सिलसिला। आप तमाम हजरात से ये इल्तिजा थी, है और जब तक ये काम जारी है ये रिक्वेस्ट रहेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबका हामी व नासिर हो।